हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक लिस्ट प्रोग्राम के बारे में, जो प्रोग्राम मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरी, और वो है श्रुति यादव। उन्होंने एक प्रोग्राम मुझसे काफी दिन पहले पूछा था, लेकिन मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ एक सीक्वेंस में बनाता हूँ। और इसलिए श्रुति, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं आज आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ जिसमें श्रुति ने पूछा है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट नंबर इन द लिस्ट ऑफ 10 इनपुट। मतलब अगर आपको 10 इनपुट दिया गया हो तो लोवेस्ट और सेकेंड लोवेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए श्रुति, इसको बनाने के दो तरीके हैं, दो क्या दो से भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो तरीके हैं। उन दो तरीकों का यूज करके आप इन प्रोग्राम को बना सकते हैं। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। देखिए, आपने एक ए नाम का क्या माना, ब्लैंक लिस्ट माना, फिर आपने यूजर से साइज पूछ लिया। जैसे आपने क्वेश्चन में कहा कि मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे जब आपसे साइज पूछा जाएगा उस समय आप साइज में क्या देंगे, 10 देंगे। तो साइज नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। तो 10 की एंट्री लेनी पड़ेगी, 10 एलिमेंट्स की एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये है आपका इनपुट का सेक्शन। आप ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये कैसे इनपुट काम करता है। बस आप जानिए कि आपने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद आपको पता है कि मिन नाम का एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम ब्रैकेट में क्या देते हैं, लिस्ट का नाम देते हैं। तो ये मिन फंक्शन दिए गए लिस्ट में सबसे छोटे एलिमेंट को रिटर्न करता है, और ये फंक्शन मतलब जो मिन फंक्शन है उसने सबसे छोटे वैल्यू को रिटर्न किया, और ये जाके कहां स्टोर हो गया, मिन वैल के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट इक्वल टू व्हाट, मिन वैल। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो गई, यानी कि जब सबसे छोटी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। अब होता है क्या, अब आपको सेकंड मीन फाइंड करना है। तो ये काम करते हैं, क्यों ना उस लिस्ट में से मैं उस मीन वैल्यू को हटा दूं। तो मैं करता हूं ए डॉट रिमूव, यानी कि उस मिनिमम वैल्यू को मैंने अपने लिस्ट से रिमूव कर दिया। मतलब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा मान लीजिए लिस्ट। ठीक है, इसमें मान लीजिए चार एलिमेंट थे, 2, 3, 1 और 5। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ मेन वैल्यू में कितना आ गया, 1, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 1 है। और आपने प्रिंट कर दिया कि ये रहा आपका मिनिमम वैल्यू, और आपने उसको शो कर दिया, तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि मिन वैल्यू इक्वल टू व्हाट, 1। अब क्या मैं करता हूं, मैं ए से रिमूव कर देना हूं मिन वैल्यू को। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये रिमूव हो गई। तो अब जब ये रिमूव हो गई और फिर से मैं जब मिन निकालूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगली वाली जो मिन निकल के आएगी वो क्या होगी, 2 होगी, जो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि क्या है, एक सेकेंड मैक्स, सॉरी ये क्या है, एक सेकेंड मिन वैल्यू है। और अब मैंने क्या किया, इसको एस मिन नाम के वेरिएबल में, एस मिन मतलब सेकेंड मिन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इसे यहाँ क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मतलब क्या हुआ, देखिए बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप मिन निकालिए, मिन निकाल के प्रिंट करके उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए लिस्ट में से, और फिर से मिन निकालिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो नंबर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, सेकेंड मिन निकलेगा। तो ये रहा आपका पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट इससे भी आसान है। वो आसान क्या है कि आप तो जानते हैं ये लाइन आपको पता है, ब्लैंक लिस्ट बनाया, साइज पूछा, यहाँ पे क्या कर लिया आपने, इनपुट कर लिया। अब इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस उसको शॉर्ट कर देना है। तो मतलब मान लीजिए आपका ये एक लिस्ट था, ठीक है, जो आपने मतलब रिसीव किया, इनपुट लिया, मान लीजिए 2, 4, 1 और 3। ठीक है, उसमें से आपने जो है इसको जब शॉर्ट किया, तो शॉर्ट करते ही बन गया 1, 2, 3 और क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, अब जब ये लिस्ट हमारी शॉर्ट हो चुकी है, तो हमको पता है कि जो 0 वाला इंडेक्स है वो सबसे छोटा वैल्यू है, जो 1 वाला इंडेक्स है वो सेकंड छोटा वाला वैल्यू है। ऐसे ही हम उल्टा अगर देखें तो उल्टे में ये कह सकते हैं कि जो 2, 3 ये जो 3 वाला इंडेक्स है वो सबसे क्या है, बड़ा वाला वैल्यू है, और जो ये सेकंड वाला इंडेक्स वाला वैल्यू क्या है, सेकंड सबसे बड़ा वाला वैल्यू है। मतलब आप इसको शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट करने के बाद जो है वो मिन नंबर क्या होगा, 1 का 0 होगा। देखिए 1 का 0 क्या मिन नंबर नहीं है, बिल्कुल है। और प्रिंट कीजिए फिर से सेकंड मिन नंबर जो 1 का 1 है, तो क्या ये 1 का 1 जो है सबसे छोटा मतलब सेकंड मिन वैल्यू नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब क्या हुआ कि आप दोनों के दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप इस प्रोग्राम का यूज करें चाहे आप इस प्रोग्राम का यूज करें। इसमें कंसेप्ट कहता है कि आप मिन निकालिए और मिन को रिमूव कर दीजिए और फिर से मिन निकाल लीजिए, तो आपको सेकंड मिन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि आप अपने एरे को शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट करने के बाद जो है वो पहले वाले इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो मिन होगी, और जो दूसरे वाले इंडेक्स पर मतलब 1 वाले इंडेक्स पर जो होगी वो क्या होगी, आपको सेकंड मिन वैल्यू होगी। यही प्रोग्राम अगर आप मैक्स के लिए निकालना चाहते थे तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आपको मैक्स लिख देना था, तो सबसे पहले मैक्स वैल्यू निकल जाती और उसको रिमूव कर देते, और फिर से यहाँ पे भी मैक्स लिख देना था, तो अब जो निकलता वो क्या निकलता, सेकेंड मैक्स निकलता। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते, बिल्कुल यही करते, शॉर्ट कर देते। और यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, या तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देते, मतलब जो शॉर्ट कर, अगर आपने शॉर्ट फंक्शन मेरा नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप नहीं भी करते हैं, आप नॉर्मली इसी शॉर्ट का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है कि जो मिन नंबर, यहाँ पे आप मिन के बदले क्या लिखेंगे, मैक्स नंबर जो होगा वो होगा ये। ठीक है, तो आपने मान लीजिए साइज में दिया था कितना, अगर ये बनाना तो साइज में हमने क्या दिया था, 4 दिया था, राइट। तो जब साइज में 4 दिया था तो इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0, 1, 2 और 3 हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए का कौन सा वैल्यू, तो साइज माइनस, तो साइज में कितना है, 4,
तो ये इंडेक्सिंग कौन सी है, थ्री, तो साइज माइनस वन। तो ए का साइज माइनस वन जो होगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा। और वैसे ही अगर आप ये लिखेंगे कि ए का व्हाट साइज माइनस टू, ये वाला इंडेक्स, तो साइज में कितना था, फोर, फोर माइनस टू कितना हो गया, टू। तो ये जो इंडेक्स है, इस पे वैल्यू जो है वो क्या है, सेकेंड मैक्स वैल्यू है। तो ये आपको लिखने का तरीका होता है। तो अगर इसको आप, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन का आईडीएलई ओपन करना पड़ेगा। तो हम पाइथन का आईडीएलई ओपन करते हैं। ये हो गया पाइथन का आईडीएलई ओपन। अब हम यहाँ फाइल मेन्यू में जाते हैं, किस पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। हमने मैंने इस फाइल का नाम ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, सेकंड मीन नंबर इन द लिस्ट। ये रहा आपका प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को जो है अगर आप रन करना चाहते हैं तो रन मेन्यू पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, देखिए आपसे साइज पूछा। मान लीजिए मैंने साइज दिया फाइव, मैंने एलिमेंट दिए मान लीजिए फाइव, सिक्स, फोर, फाइव और एट, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, मिन नंबर इन द लिस्ट इज फोर। तो क्या फोर सबसे छोटा नंबर है? हाँ बिल्कुल, फोर सबसे छोटा नंबर है। और सेकंड मिन वैल्यू इन द लिस्ट इज व्हाट, फाइव। और सेकंड सबसे छोटा नंबर क्या है, फाइव है। ये भी परफेक्ट है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये तो पहला अप्रोच था। अगर दूसरी वाली फाइल को हम ओपन करें, जो मैंने सेकंड वे तरीका बताया है, वो रहा ये प्रोग्राम सेकंड वे वाला, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने सीधे इसको शॉर्ट कर लिया है और मिन नंबर ए का जीरो हो गया और मैक्स नंबर क्या हो गया, ए का वन हो गया, ठीक है। इसको रन करने के लिए रन मेन्यू में जाइए, रन मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए, ठीक है। मान लीजिए लिस्ट की साइज आपसे पूछा तो आपने दिया फिर से इसमें मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 देते हैं इस बार, ठीक है। एलिमेंट देते हैं 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7 और 10, ठीक है। देखिए वैल्यू क्या देता है, देता है मिन नंबर इक्वल टू व्हाट, 1, और सेकंड मिन नंबर इक्वल टू व्हाट, 2। मतलब हमारा प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर आप थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे इसी प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मिन नंबर के बदले में यहाँ डालता हूँ मैक्स नंबर, और यहाँ सेकंड मिन के बदले में डाल देता हूँ सेकंड मैक्स नंबर। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ए का साइज माइनस वन, ठीक है, जो हमारा हो जाएगा सबसे कौन सा, बड़ा नंबर। और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ए का साइज माइनस टू, जो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। इसको चलिए जो भी चेंजेस किए हमने फाइल में जाके क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो इसे रन करना है हमें, ठीक है। तो रन करने के लिए हम रन मेन्यू पे जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इंटर साइज ऑफ द लिस्ट, मान लीजिए मैं 5 देता हूं, मैं एलिमेंट देता हूं 2, 3, 1, 9 और 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या रहता है, मैक्स नंबर जो है वो 9 है, तो क्या मैक्स नंबर 9 है, बिल्कुल है। और सेकंड मैक्स नंबर 4 है, तो क्या सेकंड मैक्स नंबर 4 है, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद यही सेम प्रोग्राम सेकंड मैक्स और सेकंड मीन में भी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका प्रोग्राम जो किसी भी दिए गए लिस्ट में सेकंड मैक्स सेकंड मीन या मैक्स और मीन को क्या करता है, फाइंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।